हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत हमें राइट टू लाइफ दिया गया है, जिसके मुताबिक हमें एक खुशहाल जिंदगी जीने का हक है। पर क्या हो अगर कोई इंसान किसी हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पर पड़ा हो, दर्द में कराह रहा हो और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना बची हो? उसको राइट टू लाइफ तो था, पर क्या उसको राइट टू डेथ है? उसे जीने का हक था, पर क्या उसे मरने का हक है? हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू द फ्री स्पोकन मीडिया। मेरा नाम है सनत और आज हम बात करने वाले हैं यूथनेशिया के बारे में, जिसे हम मर्सी किलिंग या राइट टू डेथ के नाम से भी जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, सो दैट वी गेट मोटिवेटेड टू ब्रिंग यू क्वालिटी कॉन्टेंट एवरी टाइम। यूथनेशिया, ये जो वर्ड है ये ग्रीक शब्द यूथेनेटॉस से निकला है, जिसका मतलब है अच्छी मौत। तो सरल भाषा में अगर बोले, किसी का पेन, सफरिंग, उनका दर्द मिटाने के लिए उनकी इच्छा अनुसार उनकी जिंदगी को खत्म कर देना यूथनेशिया कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे, मेरे इस स्टेटमेंट का कोई फिलोसॉफिकल मीनिंग नहीं है कि जब मैं पेन, सफरिंग और दर्द की बात करता हूँ, मैं सिर्फ मेडिकल पेन और सफरिंग की बात कर रहा हूँ। जिंदगी से तंग आकर सुसाइड कर लेना यूथनेशिया नहीं कहलाता है और ना ही ये किसी प्रॉब्लम का हल होता है। खैर, यूथनेशिया की प्रैक्टिस बहुत सी कंट्रीज में लीगल है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन भारत में अभी भी यूथनेशिया को फुल्ली लीगलाइज नहीं किया गया है। इसके बारे में पूरा जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। यूथनेशिया का लीगल स्टेटस या उसकी मोरालिटी को क्वेश्चन करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि यूथनेशिया भी दो प्रकार का होता है, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया वो होता है जहां पर एक लीथल इंजेक्शन देकर या किसी तरह की लीथल दवाई देकर, यानी कि मारक दवाई देकर इंसान की जिंदगी को इमीडिएटली खत्म कर दिया जाता है। जिन कंट्रीज में यूथनेशिया लीगल भी है, उसमें से मात्र गिनती की कंट्री ऐसी हैं जिसमें यूथनेशिया एक्टिव तौर पे लीगल है, जैसे कि कनाडा और बेल्जियम, जहां पे लीथल इंजेक्शन का यूज अलाउड है। सेकंड टाइप ऑफ यूथनेशिया इज पैसिव यूथनेशिया। इस केस में पेशेंट की मेडिकल सप्लाईज बंद कर दी जाती हैं, उसका जो लाइफ सपोर्ट है उसको हटा दिया जाता है और उसकी पेन किलर्स बढ़ा दी जाती हैं, जिसकी वजह से उसको दर्द कम होता है एंड इवेंचुअली उसकी डेथ जल्दी हो जाती है। सरल भाषा में बोले तो पैसिव यूथनेशिया का मतलब है कि पेशेंट की लाइफ के लिए फाइट करना बंद कर देना। इंडिया में पैसिव यूथनेशिया को मार्च 2018 में लीगलाइज कर दिया गया था। तो जी हाँ, इंडिया में यूथनेशिया लीगल है। 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में पैसिव यूथनेशिया के लिए परमिशन दे दी थी, लेकिन गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट थी। इंडिया में पैसिव यूथनेशिया सिर्फ दो केसेस में अलाउ किया जाता है। पहला, कि या तो पेशेंट किसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो जिससे उसकी मौत निश्चित है एंड द पेशेंट कॉन्शियसली नोज अबाउट दिस थिंग। सेकेंडली, या तो पेशेंट परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में हो, विच मीन्स 4 हफ्ते से ज्यादा के लिए पेशेंट ब्रेन डेड हो और वो फुल लाइफ सपोर्ट पे ही एग्जिस्ट कर पाता हो। ऑल्सो, पैसिव यूथनेशिया के लिए पेशेंट का कंसेंट जरूरी है। इन केस पेशेंट इज ब्रेन डेड तो उसकी फैमिली का कंसेंट इज कंपलसरी। इस पॉइंट पे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया में सिर्फ पैसिव यूथनेशिया ही लीगल है, विच मीन्स अगर कोई डॉक्टर पेशेंट को लीथल इंजेक्शन देकर उसकी लाइफ एंड करता है और एक्टिव यूथनेशिया को प्रैक्टिस करता है, देन दैट इज नॉट यूथनेशिया, दैट इज प्योर एंड सिंपल मर्डर इन द आईज ऑफ लॉ। चलिए इस वीडियो को एक छोटे से डिस्कशन से खत्म करते हैं। क्या यूथनेशिया सही है या गलत? यूथनेशिया को सपोर्ट करने वाले ये कहते हैं कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली देखा जाए तो यूथनेशिया इज राइट, बिकॉज एवरीबडी हैज द राइट टू लाइफ एंड उसको एक क्वालिटी लाइफ जीने का हक है। और वेंटिलेटर पर रहना कोई क्वालिटी लाइफ नहीं होती, तो जिस इंसान की मौत निश्चित है उसे मरने का हक होना चाहिए। अल्टीमेटली वो मौत को सिर्फ जल्दी बुला रहा है। दूसरी तरफ इसके अपोजर्स कहते हैं कि यूथनेशिया का मतलब है होप को खत्म कर देना एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इज ऑल अबाउट गिविंग होप। मोरओवर, यूथनेशिया और सुसाइड में कोई खास फर्क नहीं है। ऐसे तो जो इंसान डिप्रेस्ड है और वो छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है, वो भी ये कह सकता है कि भाई मुझे जीने का मन ही नहीं कर रहा था और इसीलिए मैंने अपनी आने वाली मौत को जल्दी बुला लिया। एंड मोरओवर, सेक्शन 309 के तहत सुसाइड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया, तो यूथनेशिया कैसे लीगल हो सकता है? दोनों पक्षों की सुनने के बाद आई जस्ट कैन नॉट से कि यूथनेशिया सही है या गलत, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव वेरी वैलिड पॉइंट्स। आपको जो लगता है डेफिनेटली आप वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि यूथनेशिया इंडिया में होना चाहिए या नहीं, या इनफैक्ट ये चीज़ एग्जिस्ट भी करनी चाहिए या नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड यस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू अस।